शानदार पेशकश हिंदी नाटक नन्हे कलाकारों की पेशकश सुधा मूर्ति की हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमा टू रीड इस पुस्तक पर आधारित टर्निंग पेजेस। सुर्खिया 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 सुर्खिया
चीनी सेना ने लद्दाख में और मैकमोहन रेखा के पार एक साथ हमले शुरू किए और उसमें भारतीय सेना का प्रतिवाद। कब खत्म होगा ये युद्ध? आप परेशान मत हो, ये सब ठीक हो जाएगा। हाँ, देखते हैं कब ठीक होगा। मैं पाठशाला होके आता हूँ। हाँ, और आते आते गंजा ले आना मत भूलिएगा। हाँ, लेके आऊंगा। सुधा बेटा, अब जल्दी से मुंडे हाथ की सिलाई के बारे में पढ़ दो। हाँ, वह आप भी पढ़ती। बालों में दही शहद लगाए बालों को और घना बनाए। अगला, घर में तुलसी माता का पेड़ करता है वातावरण को। ये सबको बताए। अगला पढ़। छोटा परिवार सुखी परिवार। अरे अगला, काशी यात्रे। वाह, एक कहानी छिपी है काशी यात्रे। कहानी सुना तो। हाँ, वाह आप भी सुना। भाग एक, कावेरी नदी के किनारे चिथावली नामक एक छोटा सा गांव था। नदी और मनोरम श्रृंखलाओं से घिरा हुआ ये गांव मेहनती लोगों का निवास। मुर्गे की बांग और चिड़ियों की चहचहाहट से गांव वालों की सुबह होती। सभी औरतें झुंड में मटका लेकर कावेरी नदी के तट पर पानी भरने जाती और सभी आदमी अपने अपने काम पर निकल जाते। कुछ ऐसी होती जिथावली गांव की सभाओं की शुरुआत। वाह, गांव में एक नाई सखी नमस्कारो। एक मोटी तिम्मप्पा नमस्कारो। नमस्कारो। गजरा बेचने वाली नन्ना नमस्कारो। नमस्कारो। और नारियल बेचने वाली बाड़म नमस्कारो। चार आने का एक। वैसे तो बाड़म बड़े बुजुर्गों में से एक पर उनमें बचपना भरपूर था। बच्चे उन्हें बहुत प्रिय थे। गांव के सभी बच्चे उनके पास इकट्ठा होते और वो उन्हें ढेर सारी कहानियां सुनाती और सीखते थे। बाड़म्मा की भी एक बेटी थी जो पास के शहर में रहकर पढ़ाई करती। बाड़म्मा दिन भर नारियल बेचकर पैसा कमाती। अक्का, आज कितना नारियल बिकी? बहुत। अब उसमें से थोड़े पैसे मैं अपनी बेटी को दे दूंगी और थोड़े पैसे अपनी मिट्टी के गुल्लक में जमा कर दूंगी। बाड़म्मा के पास पैसे से भरे ऐसे 5 मिट्टी के गुल्लक तैयार हो चुके थे। गांव वालों की बातचीत के मुद्दों में से एक मुद्दा ये भी था कि बाड़म्मा आखिर इन पैसों से करेगी क्या। हमको तो लगता अपना बेटी का शादी शहर का कोई लड़का से करेगा। इल्ला, हमको तो लगता गांव में पक्का घर बनवाएगा। हमको भी यही लगता। चलो चलो। पर ये तो सिर्फ बाड़म्मा ही जानती थी कि वो ये पैसे इकट्ठा कर रही है ताकि वो एक बार काशी यात्रा करके स्वामी विश्वेश्वर के दर्शन कर सके। अब वहाँ काशी क्या है? काशी काशी तो भगवान की नगरी है। वहाँ स्वयं स्वामी विश्वेश्वर निवास करते हैं। गंगा नदी के किनारे रोज आरती होती है। हजारों लोग इकट्ठा होते हैं गंगा नदी में डुबकी लगाने के लिए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, जो भी काशी जाता है उसके तो भाग्य खुल जाते हैं। जय स्वामी विश्वेश्वर। अम्मा, आप कभी गए हो? नहीं बेटा, अब तक मौका नहीं मिला। हम चले? हम दोनों अकेले। हाँ बाड़म्मा भी तो जाने वाली है। हाँ, तेरी बात तो सही है पर अब तू आगे की कहानी पढ़। हाँ वह अब भी पढ़। कई सालों के इंतजार के बाद आखिर वो दिन आ गया जब बाड़म्मा ने अपने गुल्लकों को फोड़ने का फैसला किया। स्वामी विश्वेश्वरा, बहुत सालों के बाद मैं ये पैसे जमा कर पाई। अब मुझे काशी बुला ले स्वामी, काशी बुला ले। और विश्वेश्वरा को याद करके उन्होंने गुल्लक तोड़ने का फैसला किया। और फिर फिर प्रार्थना छूट जाएगी और मुझे भी मंदिर चलना है ना। मेरी भी प्रार्थना छूट जाएगी।
अवसर पर हम कर्नाटक का गौरव गीत अर्थात कन्नड़ नाड गीत की प्रस्तुति करेंगे। तो बच्चों मुझे बताइए ये नाड़ गीत किसने लिखा है? और उनसे मिला हुआ ज्ञान सब में बांटना। पर आपने तो मेरे साथ खूब
कोई ज्ञान नहीं माता। तुमसे बहुत कुछ सीखा तो है। क्या सीखा, क्या सीखा? इडली बनाना। अच्छा ठीक है, आज का खाना अच्छा बनाएंगे। और आज की पत्रिका मैं पढ़ूंगी। तुम कैसे? आप मुझे पढ़ना सिखाएंगे? अयो इसका भूत अभी तो पुत्रा नहीं। सुधा तुम तो उतर जाओ। यवा का बोल सुधा है ना, वो पढ़ के सुनाएगी। यवा का बोल ओदबेकु अंत इतरे। अब मैं मेरा लेखन करने जाओ या तुम्हें पढ़ के सुना बताओ। देखा अपने अज्जा को करना चाहते, लेकिन पैसा इल्ला,
आने बंटटू आने यहाँ और आने बीजापुर दाने धार टप्पी बंटू मक्ली के लहंसु आने उड़ी हुई तू हम तो कल आने वाले थे लेकिन सुधा जिद कर रही थी कि अव्वा की याद आ रही है अव्वा से मिलना है अव्वा से मिलना है ले सुधा बेटा मिल ले अव्वा से अव्वा विश्वेश्वर सुधा बेटा जरा कंधे दबा देना पूरे रास्ते इसे कंधे पे ही लेके आया हाँ कृष्णा जरा पानी देना हाँ हाँ दे रही हूँ दे रही हूँ अच्छा किया दिया है अरे तेरी आंखें सूजी क्यों है तेरी तबीयत तो ठीक है ना हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है आप जाइए नहा लीजिए अच्छा नहा लेता हूँ नहाना पड़ेगा लंबा सफर था जाके नहा लेता हूँ और मुझे राय देने वाला कोई नहीं था उनसे तो
Thank you.
ये हम निर्धारित नहीं कर सकते। इसीलिए हमें हमारी आंखें खुली, कान सचेत और दिमाग तेज रखना चाहिए। जो अगली कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो भी मेरे ही गांव के निवासी बाड़ू की है। वो बाड़ू जो सबके साथ हंसता, सबको हंसाता, अपने ढंग से छेड़ता और लुभाता। अरे सुधा, मेरे पास और एक किस्सा सुनाने के लिए। अरे नहीं, अब मेरे में और हंसने की ताकत नहीं। अरे बाप रे, 11 बज गए, ये राजप्पा अभी तक आया क्यों नहीं? मर गया, मैं बर्बाद हो गया, मुझे तो कुछ छीन लिया गया। क्या हुआ राजप्पा, आओ बैठो। आपको पता है आजकल बैंक में नौकरी करता, तो मेरे बैंक वाले किसी दूर बड़े जंगल में भेज दिया। अब मैं अपने फैमिली से कैसे मिल पाऊंगा, उनके साथ टाइम स्पेंड कैसे कर पाऊंगा? Yeah.
तो तुम मेरा
हमको पता है, 9-11 के बाद हमने टीवी पे देखा है। हमको ये बता कि अमेरिका में खेती बाड़ी कैसी होती है। बताता हूँ, तो अमेरिका के खेत की घास 5-6 फुट पतले पतले अरे चलो चलो, ये बाहर का अमेरिका है। चल हंसा लो, बेटा तू रोड़ी होता है, बेचैन कर लियो। तुम कुछ बात होने नहीं देते, वो कुछ बोल रहा। Sudha?
हर बात को मजाक के ढंग से बताने वाला बाड़ू मुझे जिंदगी की इतनी बड़ी सीख दे देगा, वो सीख जो मुझे कोई यूनिवर्सिटी में भी प्राप्त नहीं होती और कोई बुक में तो हरगिज ही नहीं मिलेगी। इस घटना के बाद मैं जब भी ऐसे काम के सिलसिले में कोई छोटे गांव में जाती तो अपनी चेक बुक और नकद अपने साथ रखती। आप मैं हम सब अक्सर ये सोचते हैं कि हमारे पास अपनी बात, अपना मत, अपने जज्बात रखने के लिए बहुत समय है, लेकिन नहीं, महत्वपूर्ण वो कल नहीं, एक क्षण है, केवल एक क्षण जिसमें लिया गया निर्णय किसी की जिंदगी को नई दिशा दे सकता है।